अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लीज एंड मोर बाय मरियम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों के कपड़ों की वैरायटी जो कि मैंने ईद के लिए बाय किए हैं। और ये तमाम शॉपिंग तकरीबन हारून शॉपिंग सेंटर से हुई हुई है, जहाँ से आप बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर शॉपिंग कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इसके अलावा भी मार्केट में आपको हर चीज़, तमाम चीज़ें जो भी आपको चाहिए होती हैं वो तमाम ही मिल जाती हैं। बट टॉडलर की सूटिंग वगैरह अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग इसको नेक्स्टली विज़िट कर सकते हैं। तो इट्स अ हायर टाइम फॉर दिस ईद, बट क्योंकि मैंने अभी कपड़े निकाले तो मैंने सोचा कि ये मैं शेयर करूं आप लोग के साथ। तो अगर आपको वैरायटी अच्छी लगे और आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली जो है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि बच्चों की कुछ चीज़ें होती हैं और उसमें सभी चीज़ें तकरीबन हम बहुत अच्छी लग रही होती हैं, तो माशाल्लाह कहना मस्ट हो जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन के लिए आप उसको भी, बेल का बटन भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको और भी जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उन तमाम के नोटिफिकेशंस इजीली मिल सके ऑन टाइम। तो अब मैं आपको वैरायटी दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये मैंने मीडियम साइज़ के अंदर शॉपिंग की हुई है अपनी बेटी के लिए, जो कि 16 साइज़ होता है आफ्टर न्यूबॉर्न साइजिंग, जो कि 1-3 होती है, उसके बाद फिर स्मॉल मीडियम लार्ज आता है। तो उसमें से ये मीडियम साइज़ है जो कि 16 इंचेस का होता है। तो उसमें ये वेरी फर्स्ट जो शर्ट है, ये शर्ट फ्रॉक स्टाइल के अंदर है, और इसके साथ में ही इसका टाइट्स है जो कि प्रिंटेड है, और ये जो इसके ऊपर आपको यहाँ पे कॉलर में नज़र आ रहा है यही कलर का इसका ये ट्राउज़र है, जो कि आप ये देख सकते हैं, और ये प्रिंटेड है। तो बहुत ही लाइट सा बेबी सा कलर है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ठंडा सा कलर है, तो इस वजह से एक मैंने ये चूज़ किया है। बच्चों के कपड़ों में 3-4 ड्रेसेस होना बहुत लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि वही है कि बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, और ये क्लोथिंग ऐसी है कि ये आफ्टर ईद बहुत ईजली बच्चे घर में भी पहन सकते हैं, आने जाने के लिए भी पहन सकते हैं। तो मैं इसी तरह की चीज़ों को प्रेफर करती हूँ, ताकि बच्चे ईद पे भी पहन लें और उसके बाद भी वो रखे नहीं रह जाएं, क्योंकि जितनी गर्मी आजकल हो गई है तो उसमें बच्चे भी बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं बहुत ही हैवी ड्रेसेस से। और सेकेंड ड्रेस जो मैंने इसके लिए चूज़ किया है वो है ये येलो से कलर का, और इसके ऊपर किंग एंड क्वीन यहाँ पर लिखा हुआ है, मिकी माउस एंड मिनी माउस बने हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी स्लीव्स में भी डिज़ाइनिंग है, और फ्रंट पे पूरा ये स्टिकर हुआ हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे आप सबसे नीचे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कटिंग सी दी हुई है, और उसके साथ भी इसका ये ट्राउज़र है जिसपे ये चैनल लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का ट्राउज़र है कॉम्बिनेशन पर, और बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रेस लग रहा था। तो कलर्स की बहुत सी चॉइस होती है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपको जो भी पसंद हो। और आप ये देख सकते हैं फ्रंट पे इसमें बिल्कुल नीचे आके यहाँ पे इस तरीके से कटिंग है, और उसके साथ में ये स्ट्रिप्स सीधी हुई हैं, ताकि आप यहाँ पे इसको चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से नॉट बन कर दें। माशाल्लाह प्लीज़ ज़रूर कहिएगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थर्ड ड्रेस जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, और ये पिंक कलर का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रॉक लग रहा था, ये थोड़ा सा लूज फ्रॉक है, और उसके साथ में आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने जो स्टिकर्स से दिए हुए हैं वो है बेयर्स वाले, और फिर देन बो है, और इसके साथ ये वाइट कलर का टाइट्स है इसका, और इसको भी ऊपर भी प्रिंटेड है, इसका प्रिंट भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, और ये ओवरऑल फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो ये इस तरीके से ईद की वैरायटी ये आई हुई थी, और हर ही ड्रेस में डिफरेंट डिटेलिंग और उसके साथ में ही डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं, सो यू कैन चूज़ फॉर एनी ऑफ योर चॉइस। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये तो मैंने नहीं देखा था, बट इस ड्रेस का ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने थोड़ी थोड़ी सी लेस यहाँ पर दी हुई है जो कि बो के अंदर है, जो कि इसको बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। और समटी यहाँ पे स्टिकर्स हैं जो कि दोनों तरफ पेस्ट हुए हुए हैं, एंड कॉलर स्टाइल है, और साथ में ही थोड़ा सा लुक ये टू पीस का दे रहा है, जबकि ये सिंगल पीस है और ये साथ में जॉइंट है। सो होप सो कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। सेकेंडली जो ये शॉपिंग है ये मेरी सबसे छोटी बेटी के लिए, और ये शॉपिंग भी तकरीबन सारी हारून शॉपिंग सेंटर की है, बट इसके अंदर कुछ ड्रेसेस जो हैं वो बिफोर बर्थ मैंने बाई किए थे, तो ये कुछ ड्रेसेस इसमें टोटली गर्लिश नहीं हैं बट ये अच्छे लग रहे थे, तो मैंने अभी इनको भी साथ में यहाँ पे रखा है। फर्स्ट सूटिंग जो मैंने इस ईद के लिए चॉइस की थी इसके लिए, तो वो ये फ्रॉक है, इसमें येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन है, और इस तरीके से फ्रिल का लुक है लास्ट में, और यहाँ पे सिंपली स्टिकर पेस्टिंग है, और थोड़े से इसके अंदर नग वगैरह पेस्ट हुए हुए हैं। साथ में ही इसका ट्राउज़र आप देख सकते हैं कि इसमें ये डॉट्स हैं, और ये ब्लू कलर का सिंपल ट्राउज़र है इसके साथ। ओवरऑल लुक बहुत अच्छा था, कलर बहुत अच्छा लग रहा था,
दैट्स वाई आई चूज़ दिस वन। और सेकेंडली आप ये देख सकते हैं कि ये पिंक कलर का है और इसमें भी शर्ट जिस तरीके से उसमें पहले मैंने आपको दिखाई थी 16 साइजिंग में, तो उस तरीके से इसकी भी शर्ट है। आगे से थोड़ा सा फ्रंट पे स्टाइल है और स्लीव्स बिल्कुल उसी तरह से हैं। और यहाँ पर इसका जो ट्राउज़र है उसमें भी थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में आके ये स्टाइल दिया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग हुई हुई है और ये इस तरीके से ओपन है, यहाँ पे कटिंग हुई हुई है। तो ओवरऑल इस सूट का लुक बहुत अच्छा था। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट पे इसमें स्टिकर है और थोड़ी थोड़ी सी शाइनी इसके अंदर राइटिंग है। ये बिल्कुल स्लीवलेस नहीं है, स्लीव्स में थोड़ी सी फ्रिल है और फिर उसके बाद थोड़ी सी स्लीव्स हैं। बाकी ये थोड़ी सी यहाँ पे लूजिंग है शर्ट के अंदर, बट ये सिंपल शर्ट है और इसके साथ में ये ट्राउज़र है। तो ये ड्रेस भी बहुत अच्छा था, कूल टू बी काइंड इसके ऊपर लिखा हुआ था। और थर्डली ये ड्रेस जो है मैंने पहले बाय किया था बट ये वहीं का बाय किया हुआ है और इसके ऊपर भी बहुत ही क्यूट सा स्टिकर पेस्ट है। और इसके अलावा इसमें डोनट्स की स्प्रिंकल्स की तरह से यहाँ पे इसमें पूरी प्रिंटिंग है। और फिर इसके नीचे जो ट्राउज़र दिया हुआ था वो यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्रिंट है और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। बहुत ही ठंडा सा कलर है और लाइट सा बेबी कलर्स का ड्रेस है ये, तो इस वजह से बहुत अच्छा लगा था। तो दैट्स वाई ये बाई किया था, बट ये बिफोर बर्थ बाई किया हुआ है। और ये ड्रेस भी इसी तरीके से बिफोर बर्थ बाई किया था, तो ये थोड़ा सा बॉयश लुक का है ये ड्रेस, बट ये ओवरऑल इसमें फुल स्लीव्स का ही ड्रेस था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने अभी भी इसके लिए रखा है कि बच्चे तो पहन ही लेते हैं सारी चीज़ें। सो आई स्टिल नॉट गेट कि इसके ऊपर ये बना हुआ क्या है, बट ये बहुत अच्छा सा कार्टून लग रहा था। और इसके ट्राउज़र पर भी इसी तरीके से दो आइस इस पर यहाँ पर पेस्ट हैं और इसी तरीके से ये पूरा यहाँ पे थोड़ा सा ये एम्बोज सा है, मतलब कि अंदर इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने कॉटन वगैरह भरा हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसका लुक इस तरीके से है इसकी आइज़ का। एंड देन ये थोड़ा पॉकेट स्टाइल में है बट ये पॉकेट भी नहीं है। तो ओवरऑल ये ड्रेसेस थे इसके हिसाब से जो कि अभी न्यूली बॉर्न है और तकरीबन 2 मंथ्स की है अब। तो सिंपल इज़ ये कि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे तमाम बच्चों की, तमाम एजिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे सूट्स अवेलेबल होंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। अब क्योंकि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा हो रही हैं प्राइसेस, पर यहाँ पे फिर भी आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे भी मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल न्यू वैरायटी में से हैं सारी चीज़ें, कोई किसी किस्म की सेल उनके नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छे ड्रेसेस थे। और आपको फुल सूटिंग में चाहिए तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस आपको लगेंगे। अगर अदरवाइज़ अगर आप सिंगल चीज़ें बाय करते हैं और उसके साथ फिर आप कॉम्बो करके लेना चाहें तो वो चीज़ें भी आपको ईज़िली अवेलेबल हैं, बट ये है कि उसके मुकाबले में अगर आप फुल सूटिंग पर जाएँ तो आपको ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल पड़ते हैं। एक ड्रेस ये भी बहुत ही लाइट से कलर का था, तो ये भी चूज़ किया था मैंने इसी के लिए, जैसे कि बेबीज़ के लिए बहुत अच्छे लगते हैं लाइट लाइट बेबीज़ के कलर्स, तो इसी हिसाब से चूज़ किया था। थर्डली ये जो शॉपिंग है ये मेरे बेटे के लिए है जो कि अब 4 ईयर्स के हैं माशाल्लाह से, और उनकी सूटिंग के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वही जिन बच्चों का साइज़ थोड़ा सा अगर हाइटेड हों बच्चे तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपको शर्ट का साइज़ और ट्राउज़र्स के साइज़ में इशू आ रहा होता है। फिर भी ये एक्सेल साइज़ यहाँ पे अवेलेबल था, मतलब कि 18 साइज़ 20 है ये, और ये अवेलेबिलिटी इसकी थी। तो इसके अंदर शर्ट्स थोड़ी सी लूज ज़रूर रहेंगी, लेकिन इसके साथ ये है कि ट्राउज़र्स बहुत अच्छे मिल गए और वो भी जो है 3/4 की तरह से हैं जो कि बच्चे बहुत ईजिली पहन सकते हैं, वही कि ईद पर भी यूज़ हो जाएंगे और उसके बाद में भी ईज़िली बच्चे यूज़ कर सकते हैं। तो बॉयज़ के हिसाब से फर्स्ट क्लास जो मैंने चूज़ किया है वो यहाँ पे ये लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन है रेड एंड ग्रे के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस लग रहा था। थोड़े से यहाँ पे इसी तरीके से फ्रंट पे स्क्वायर्स हैं इसके ट्राउज़र में जो कि इसका 3/4 है, और इस पे यहाँ पे इन्होंने रेड एंड ब्लू दोनों यहाँ पे फैब्रिक यूज़ किए हुए हैं। बहुत ही अच्छा ट्राउज़र लग रहा था इसका, और इसके साथ में इसकी शर्ट भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा प्रिंटिंग थी इसके ऊपर। ओवरऑल इस सूट का लुक कुछ इस तरह से है और आप ये देख सकते हैं, मैं इसकी राइटिंग के ऊपर अभी मैंने पूरा नहीं देखा है कि क्या इसके ऊपर मेंशन है, उस वक्त पढ़ा था बट अब मुझे याद नहीं। और इसी तरीके से ये सेकंड ड्रेस है, इस ड्रेस का कलर भी बहुत अच्छा था, और कलर आप चूज़ करें बिल्कुल अपने बच्चों के हिसाब से। मेरे बच्चों के ऊपर जो कलर्स मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैं उन्हीं कलर्स को चूज़ करती हूँ, तो इसी वजह से ये येलो कलर्स इसमें तमाम सूटिंग में आपको मिले होंगे, बट ये माशाल्लाह से बच्चों पर बहुत अच्छे लगते हैं इस वजह से मैं चूज़ करती हूँ। बहुत ब्राइट से कलर होते हैं और गर्मी के हिसाब से भी अच्छे रहते हैं, और बच्चे जब पहने हुए होते हैं तो तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस ड्रेस के साथ में जो है यहाँ पर फ्रंट पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्टिकर पेस्ट है सिंपल, और
और इसी तरीके से यहाँ पे जो ये इसका जो 3/4 था तो उसके अंदर आगे फ्रंट पे ज़िपर स्टाइल दिया हुआ है और बैक से ये इस तरीके से ग्रे कलर का था, बहुत ही अच्छा कलर इसका लग रहा था। और फ्रंट पे इसमें यही इस तरीके से चेक है और सिंपली ऊपर जो है फ्रंट पे इसमें येलो कलर ही है। तो ज़िप ऑन अगर आप इसको यहाँ पे खोल के देखें तो अंदर जो है यहाँ पे इन्होंने एक फैब्रिक दिया हुआ है जो कि प्रिंटेड फैब्रिक है और इसका लुक भी अगर आप हाफ़ ओपन रखना चाहें या फुल ओपन रखना चाहें तो इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये थोड़ा सा कॉस्टली था बट ये है कि अगर आपको यहाँ पे समझ लें कि 1000 के अंदर भी इस टाइम के ऊपर इस किस्म की सूटिंग मिल रही है तो ये बहुत ही रिजनेबल है क्योंकि इतने में ये सूटिंग नहीं मिलती है। ऊपर से ये साइज़ भी एक्सेल था, मैंने इनके पास से काफ़ी शॉपिंग की थी इस वजह से भी मुझे थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिल गया था यहाँ से। बट यही है कि यहाँ पर मैंने इससे पहले भी ईद की शॉपिंग बच्चों की यहाँ से की है हारून शॉपिंग सेंटर से, डिफरेंट शॉप से, बट यहाँ पर यह कि कोऑपरेटिव रहते हैं और यह कि आपको अच्छी अच्छी वैरायटी वो देख के दिखा देते हैं आपकी जो आपको पसंद आ रही है उस तरीके से आपके हिसाब से। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये भी होता है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट करवा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप स्टोर्स वगैरह से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे एक फ़िक्स प्राइस में आपको लेने पड़ते हैं बच्चों के कपड़े। और सिंपली इस किस्म की वैरायटी वहाँ पर आपको इस टाइम पे 1K से अबव ही मिलेगी, इसके अंडर में नहीं होगी। तो एक तो शूटिंग के लिए तो चलता है बट ईद की वैरायटी के लिए थोड़े से बच्चों के कपड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इस जगह को चूज़ किया और मुझे पिछले टाइम के अंदर भी बहुत अफोर्डेबल रहा है यहाँ पर सब कुछ यहाँ से शॉपिंग करना, तो इस वजह से मैंने इस बार भी इसी जगह को चूज़ किया है यहाँ पर शॉपिंग के लिए। तो इसी तरह से ये थर्ड ड्रेस जो है ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का था, थोड़ा नेवी ब्लू टाइप का, और उसके साथ ये जो ट्राउज़र है ये इसमें चेक था और ये इस तरीके से यहाँ पे 3 कलर्स हैं इसके चेक में अवेलेबल और बहुत ज़बरदस्त सूट था। और इसके तमाम जो एक्सल साइज़ की सूटिंग है वो तमाम मुझे 1000 के अंदर मिली है यहाँ पर। ऑल दो मुझे यहाँ पे वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया है और ये है कि मुझे थोड़ी सी पहले अगर मैं अपलोड करती तो डेफ़िनेटली अगर किसी को शॉपिंग करनी होती तो वो यहाँ से ईज़िली इसको बाय कर सकते हैं, बट फिर भी नेक्स्ट शॉपिंग के लिए आप इस जगह को प्रेफर कर सकते हैं और क्योंकि बहुत ही अच्छी सूटिंग होती है, बहुत अच्छा फैब्रिक होता है और अगर आप प्राइसेस के हिसाब से जाएं तो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में होते हैं। दैट्स वाई मैं ये वीडियो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा क्योंकि बच्चों के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और डेफ़िनेटली फिर लोग यही सोचते हैं कि नज़र ना लगे, इसलिए माशाल्लाह कहने का बोल रही हूँ। तो इस वजह से आप लोग भी अगर चाहें यहाँ से शॉप करना तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। मैं इनका कार्ड तो लेना बिल्कुल भूल गई बट फिर भी आपको पूरी ही मार्केट के अंदर एक जैसी वैरायटी मिल जाएगी, अवेलेबल होगी। मैंने इसको बिल्कुल ये फ्रंट की शॉप से, एक शॉप है वहाँ से बाय किया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे डिस्काउंट भी दिया है इसके ऊपर और नियरली 2 शॉप्स से मुझे पूरी शॉपिंग मेरी यहाँ पे बच्चों की कंप्लीट हो गई थी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।